झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, दोनों पक्षों में तकरार जारी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा और आखिरी दिन है। इस दिन भी विधानसभा के बाहर विधायकों को अपनी अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करते हुए देखा गया। पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता व विधायक लंबोदर महतो भी अपनी मांगों को लेकर गेट पर बैठे। पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल में एक दो प्रश्नों पर चर्चा के साथ ही विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हुआ। विधायक आसन के पास पहुंचे, नारेबाजी की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायकों को सीट पर लौटने की नसीहत देते हुए कहा कि वे आसन के धैर्य और विवेक की परीक्षा न लें। विधायक लंबोदर महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इनके यानी कि भाजपा नेता ही नहीं है, ये नेता चुनकर सदन में अनुशासन में लें। इसी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगन के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई। शशि भूषण मेहता ने अपने आचरण के लिए मांगी माफी। सदन में विपक्ष के प्रदर्शन के बीच शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पीकर से भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता को माफी मांगने के निर्देश देने की मांग की। स्पीकर ने शशि भूषण मेहता से कहा, कल आपके द्वारा विधायक इरफान अंसारी की ओर तेजी से बढ़ना नियम के विपरीत था, आपको माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने इसका अनुरोध भी किया। इस पर शशि भूषण मेहता ने कहा कि इनके अनाप शनाप बोलने पर लगाम लगनी चाहिए, ये अपना आचरण सुधारते हैं तो वे भी अपनी बात को वापस लेते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को विधायक शशि भूषण मेहता कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को मारने के लिए बढ़े थे। सदन में हंगामा जारी है। दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू। इसके बाद दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पर चर्चा शुरू हुआ। गोमिया से आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये देश का पहला विश्वविद्यालय है जिससे कुलाधिपति राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे। इस विधेयक में कहीं भी वित्तीय संलेख नहीं है, ये सरकारी विश्वविद्यालय है, इसमें वित्तीय संलेख तो होना ही चाहिए।